नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं भाग्यश्री आपका स्वागत करती हूं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की भाई नरेश टिकैत ने किसान आंदोलन को फीका पड़ता देख हापुड़ पहुंचकर एक पंचायत कर ग्रामीण किसानों से सहयोग की अपील की है। आपको बता दें कि कृषि बिलों को लेकर लगातार किसान आंदोलन देश की राजधानी बॉर्डर पर राकेश के द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जब किसान राकेश टिकैत के साथ कम संख्या में पहुंचते नजर आए तो अपने आंदोलन को फीका पड़ता देख राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत हापुड़ में स्थित ग्राम कांटी खेड़ा में पंचायत कर लोगों से सहयोग करने की अपील करते नजर आए। इस दौरान हमारे संवाददाता से बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश कुमार टिकैत आंदोलन को लेकर निराशाजनक स्थिति में दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि समझौता तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सरकार आगे आए तभी तो। उनके शब्द ने उनके किसान आंदोलन को लेकर निराशाजनक स्थिति में जाने की स्थिति को स्पष्ट कर दिया। साथ ही निराशा से भरे किसान नेता ने पंचायत कर किसानों से सरकार के द्वारा लाए गए कृषि बिलों के विरोध में समर्थन में आने की बात भी कही। बीसीएन न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। मथुरा थाना बरसाना के राधा रानी मंदिर में सोमवार को ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही की अचानक तबीयत खराब हो गई। उसे खून की उल्टी हुई और कुछ ही समय में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक सिपाही के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हम आपको बता दें कि सोमवार को बरसाना के राधा रानी मंदिर पर तैनात सिपाही जितेंद्र यादव सोमवार को अपनी ड्यूटी पर तैनात था, तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे खून की उल्टी होने लगी। जब तक वह समझ पाता तभी उसकी मौत हो गई। मौके पर भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही थाना बरसाना प्रभारी आजाद पाल सिंह ने बताया है कि इटावा के थाना बलरई के गांव सिहरपुर निवासी सिपाही जितेंद्र यादव ने पिछले 3 साल से बरसाना थाने में तैनात थे। परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बीसीएन न्यूज के लिए मथुरा से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। मथुरा ब्रज भवन पर राज्यपाल आनंदीबेन 24 फरवरी को आ रही है। आने के बाद गोवर्धन गिरी राज्य की परिक्रमा करेगी और उसके बाद बरसाने के राधा रानी मंदिर के दर्शन करने जाएगी। मथुरा से राज्यपाल के आगमन को लेकर मथुरा जिला प्रशासन सतर्क हुआ है। वहीं सोमवार को डीएम नवनीत सिंह चहल और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर निरीक्षण करने गोवर्धन गिरिराज तलहटी पहुंचे, जहां उन्होंने डीएवी इंटर कॉलेज के पास राज्यपाल के हेलीकॉप्टर के लिए बनाए जा रहे हेलीपैड और परिक्रमा क्षेत्र का निरीक्षण किया और अपने अधीनस्थों को सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर एसपी देहात चंद गोवर्धन, एसडीएम राहुल यादव गोवर्धन, सीओ रविकांत पाराशर व थाना प्रभारी प्रदीप कुमार मौजूद रहे। गिरिराज तलहटी गोवर्धन में राज्यपाल के आगमन को देखते हुए सोमवार को राज्य भवन की टीम गोवर्धन धाम पहुंची। वहां उन्होंने बैटरी के रिक्शे में परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण किया और वहीं राज्यपाल के सुरक्षा को देखते हुए परिक्रमा मार्ग को बारीकी से देखा। बीसीएन न्यूज के लिए मथुरा से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना हाफिजपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर थाना हाफिजपुर पुलिस ने उधम सिंह गैंग के शार्प लुटेरे 25,000 के इनामी वांछित अभियुक्त को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ में पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन द्वारा चलाए जा रहे वांछित व सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत आज थाना हाफिजपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुए बदमाश को गिरफ्तार करने के लिए हरसिंहपुर नहर के पास निकल गई, जिसके बाद थाना हाफिजपुर पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद थाना हरसिंहपुर नहर पुल के पास से 25,000 का इनामी बदमाश आंसू चड्डा उर्फ मोंटी पुत्र भरत सिंह निवासी ग्राम मीरपुर काला को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि क्षेत्राधिकारी तेजवीर सिंह ने बताया है कि गिरफ्तार अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिस पर अलग अलग थानों में 2 दर्जन के करीब मुकदमे भी पंजीकृत है। वही मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने बताया है कि यह बदमाश अपने साथी गणों के साथ मिलकर हापुड़ जनपद एवं आसपास के जनपदों में आवागमन के लिंक व सुनसान रास्तों पर आने जाने वाले व्यक्तियों से मोटरसाइकिल व अन्य सामान की लूटपाट व चोरी करते थे। वही गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त के कब्जे से एक आदत तमंचा 315 पोर, एक जिंदा व एक खोखा कारतूस 315 पोर व एक स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल व चोरी के माल के 4,500 बरामद हुए हैं। वही गिरफ्तार अभियुक्त पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। जनपद हापुड़ के कई थानों में लूट
और वाहन चोरी के अभियोगों में वांछित चल रहे और 25,000 रुपए के पुरस्कार घोषित अपराधी आशु चड्ढा और मोंटी को आज थाना हाबिजपुर पुलिस की टीम के द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ हरसिंहपुर नहर के पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से एक नाजायज तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना हाबिजपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसके विरुद्ध 2 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत। बीसीएन न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों से हम आपको यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।